भारतीय रेल हमारे देश की लाइफलाइन जानी जाती है। हम सभी शायद भारतीय रेल से बचपन से ही जुड़े हुए हैं। हम लोग इसी में सफर करते थे, यही एक अफोर्डेबल उन दिनों साधन हुआ करता था। एक के बाद एक सरकारें आईं और हर एक सरकार ने भारतीय रेल के लिए कुछ अच्छा ही किया है। 60-70 सालों में हमने भारतीय रेल की तरक्की अपनी आंखों के सामने देखी है। पिछले 10 सालों में शायद ये तरक्की की दर थोड़ी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। क्या कारण है? और रोज ही आप एक्सीडेंट की खबर भी सुन रहे हैं, इससे हम सब विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आज कुछ एक्सपर्ट्स लोगों से बात करेंगे। हम ये पूछेंगे उनसे कि मिडिल क्लास को क्या नुकसान हो रहा है आजकल, क्यों सरकार रेल के सेकंड क्लास के डिब्बे कम करती जा रही है, क्यों सेफ्टी को लेकर बार बार प्रश्न चिन्ह उठते आ रहे हैं। तो चलिए ये प्रोग्राम देखिए, अंत तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और आप सबसे ये निवेदन है कि जिस भी चैनल पर देख रहे हो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, ये हमारा एक स्पेशल एपिसोड है। इसलिए मैंने ये किया है क्योंकि आजकल रेल हमारी भारतीय रेल बहुत ज्यादा चर्चा में है, एक तो एक्सीडेंट्स की वजह से, दूसरा बजट की वजह से, और तीसरा एक लॉन्ग टर्म में जो भी चेंजेस रेलवे में आ रहे हैं धीरे धीरे, वो भी हम डिस्कस करना चाह रहे थे। तो इसके लिए जो पैनल है आप सब जानते हैं, आनंद वर्धन जी मेरे साथ हैं, रिपब्लिक इंडिया के फाउंडर एडिटर, सब लोग आप इन्हें जानते हैं, ये हमारे क्लास फेलो भी है। फिर सुधांशु मणि से बेटर कोई पर्सन इस समय हो नहीं सकता है, ये बहुत डिमांड में है, इसलिए इनको पकड़ना बहुत मुश्किल था। बट थैंक यू सुधांशु, आपने वक्त निकाला और आपसे ही ज्यादा लंबी चौड़ी बात हम रेलवे पर आज करेंगे। तीसरा मेरे साथ है पंकज सेठी, ये IIT कानपुर में हमारे साथ थे, वहां से इन्होंने बीटेक किया, फिर एमटेक बाहर से किया। ये कुछ उन लोगों में से हैं जो भारत वापस आ गए थे, ये अमेरिका में रहे नहीं, एमटेक करने के बाद मेरे ख्याल से विद इन फ्यू मंथ्स ये वापस आ गए, और यहाँ आके इन्होंने CMC ज्वाइन किया मेरे साथ, फिर एंटरप्रेनर हैं और इन्होंने रेलवे के लिए बहुत काम किया है पिछले 30 साल में। आई थिंक जो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की कम्युनिकेशन बैकबोन बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैंने सोचा इनको फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम आउटसाइड रेलवे ये एक और पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैंने अभी पिछले हफ्ते एक एपिसोड किया था सुधांशु, जिसमें मैंने ये देखा था कि सेकंड क्लास की जो स्लीपर है वो रेलवे ने खत्म सा करते गए हैं, और ये अननोटिस गया था। हुआ इसलिए कि मैं कहीं जा रहा था तब वो ट्रेन देखी, उसमें केवल 2 सेकंड स्लीपर दिखे और बाकी सारे 3 टायर थे। तो मैं आपको इस बारे में आपकी टिप्पणी चाहूंगा सुधांशु, कि एक तो हमारा पैसेंजर ट्रैफिक पिछले 10 सालों में ये बढ़ा ही नहीं है, थोड़ा कम हो गया है। हालांकि रेलवे देती है कि 1.3% हमारी ग्रोथ रेट रही है, बट ये पिछले 20 सालों में है, जब से मोदी सरकार आई है ट्रेन में लोग कम चल रहे हैं। हालांकि फ्रेट ट्रैफिक बढ़ता गया है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और सुधांशु, ये अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर ट्रैफिक कम होने से रेवेन्यू कम नहीं हुआ है रेलवेज का, ये बढ़ता गया, धीरे धीरे ही बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ा है। और इसका जो खास वजह जो मेरे को रीजनिंग है जो मैंने निकाला कि ये क्यों सेकंड क्लास के डिब्बे कम किए हैं और क्यों ये रेवेन्यू बढ़ा है, तो ये एक टेबल मेरे को मिला था। और इसमें अगर आप देखेंगे तो AC फर्स्ट में चलाने में रेलवे को घाटा होता है, 2 टायर चलाने में घाटा होता है, एक AC 3 टायर ही है जहां पे ये रेलवे को थोड़ा बहुत फायदा होता है, बाकी सब जगह ये मैसिव लॉस में है। खासकर स्लीपर क्लास में आप देखेंगे भयंकर लॉस होता है रेलवे को चलाने में। तो सुधांशु, इसका मतलब ये है कि हम सेकंड क्लास इसलिए खत्म कर रहे हैं कि वहां पे हमें लॉस हो रहा है, और 3 टायर इसलिए बढ़ा रहे हैं कि उस पे हमें फायदा हो रहा है, बट कॉमन आदमी का क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं क्राउडिंग होती जा रही है, रिजर्वेशन मिलते नहीं है,
तो फ्रॉम अ कॉमन मैन पर्सपेक्टिव रेलवे का डायरेक्शन क्या है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जी तो देखिए, एक आपने अननोटिस्ड कहा, बात आपकी सही है, कॉमन पब्लिक को हवा भी नहीं लगी और ये उनके लिए जो स्लीपर या जनरल क्लास है वो कम होते हैं। बजट ये सरकार जब से आई है, आपने ध्यान दिया होगा कि पहले बजट के टाइम में एक बहुत बड़ी चीज होती थी नई ट्रेन्स का अनाउंसमेंट और नई ट्रेन शुरू की जाती थी। ये ट्रेडिशन इस सरकार ने खत्म कर दिया। अब पहले तो रेल बजट 2-3 साल चला, अब तो रेल बजट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द बजट। नई ट्रेन इंट्रोड्यूस करने का ट्रेडिशन खत्म हो गया क्योंकि पैसेंजर सर्विस एज इट इज लॉस मेकिंग है, तो इस सरकार की थिंकिंग ये रही होगी कि भाई ट्रेन और ना बढ़ाई जाए। तो ये इसका एक इम्पैक्ट तो ये स्ट्रेट अवे ये है, जो पैसेंजर ट्रैफिक अभी भी आपका प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंच पाया है। एक दूसरा देखिए, रोड्स तो डेफिनेटली इम्प्रूव किए हैं और इस सरकार ने और ज्यादा ही पैसा लगाया है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत सी डिस्टेंसेज, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस अगर छोड़ दीजिए, पास की डिस्टेंसेज में भी ट्रैफिक पे इस पे इम्पैक्ट पड़ा है। तीसरा, कोविड के बाद से रेवेन्यू तो इसलिए बढ़ा कि आपने वही ट्रेन्स को स्पेशल दर्जा दे के आपने उसमें ज्यादा रेवेन्यू लिया, और जैसे एसी कोच बढ़े हैं, इसमें आपने खुद एक्सपीरियंस किया है और ये तो इट्स अ प्रूवन फैक्ट नाउ, उससे रेवेन्यू बढ़ा है। ये रेवेन्यू बढ़ने के यही रीजन है। वंदे भारत का भी फेयर ज्यादा है, हालांकि वंदे भारत अभी ट्रेन बहुत कम है, लेकिन फिर भी इन सब के इम्पैक्ट की वजह से रेवेन्यू बढ़ता गया। लेकिन जो कॉमन मैन के लिए आप स्लीपर या जनरल क्लास रखते थे वो कम होता गया, और बहुत दिन तक तो वो चूंकि ट्रैवल कम कर रहे थे लोग कोविड के बाद, उसका इम्पैक्ट इतना सामने नहीं आया। अभी पिछले एक साल से कम आप सोशल मीडिया इज फ्लडेड विथ इमेजेस ऑफ पीपल क्राउडिंग एसी कोचेस, अनरिजर्व पैसेंजर्स क्राउडिंग एसी कोचेस, क्योंकि उनको जाना है, डिब्बे है नहीं, तो ऐसी हालत में वो क्या करेंगे। और ये सिर्फ ईस्टर्न यूपी बिहार की फिनोमेना नहीं है, बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स एंड अदर्स इवन मोर ब्रेनी जॉब्स जो भी हैं वो, उसके भी लोग साउथ में बहुत काम करते हैं और साउथ से फिर नॉर्थ में ट्रैवल करते हैं, तो ये साउथ में भी ये फिनोमेना बहुत दिखा कि वो एसी कोचेस में नॉन पैसेंजर्स, सॉरी नॉन रिजर्व पैसेंजर्स या सेकंड क्लास पैसेंजर्स ने क्राउडिंग की। ये हुआ फैक्ट। क्या करना चाहिए था अगर आप मेरी ओपिनियन पूछें तो देखिए, कॉमन आदमी को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, आप वो आपका मेजॉरिटी ट्रैवलर है और वो आपका देशवासी है, वो कैसे जाएगा ये तो आपको सोचना पड़ेगा। आपको पसंद नहीं है क्योंकि वो कम पैसे में आप उसको ले जा रहे हैं, ये अलग बात है। तो आप, इन्होंने पहले तो ये अनाउंस किया कि भाई हम डेवलप्ड होने जा रहे हैं, हम सिर्फ एसी कोच बनाएंगे, विदाउट मच थिंकिंग कि कॉमन आदमी का क्या होगा। उस डिसीजन से मैं एग्री करता हूं क्योंकि मेरे हिसाब से सरकार जब रेलवे में इतना पैसा लगा रही है तो कॉमन आदमी भी, जो लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू किया था गरीब रथ, उस तरह के एक विजन में कॉमन आदमी को भी आप एयर कंडीशन में ले जा सकते हैं। कैसे होगा ये आप पहले मन बनाइए, बाद में सोचा जा सकता है, बिकॉज इट विल नीड मोर ट्रेन्स, इट विल नीड लॉन्गर ट्रेन्स एंड यू विल हैव टू रिड्यूस द फेयर फर्दर। एसी थ्री का जो फेयर है उससे भी आपको कम करना पड़ेगा अगर ज्यादा से ज्यादा कॉमन मैन को आप एसी में ले जाना चाहते हैं, तो वो थिंकिंग तो कुछ आई नहीं। और ये कॉमन आदमी के जो कोचेज हैं ये कम होते गए। फिर जब इतना हल्ला मचा तो सडनली इन्होंने एक न्यू जर्क रिएक्शन किया और अब ये कह रहे हैं कि हम एसी कोच बहुत कम बनाएंगे और हम नॉन एसी ही बनाएंगे। तो दिस शोज टोटल लैक ऑफ एनी विजन और पॉलिसी, कुछ ये सब रिएक्टिव है। मेरे हिसाब से ये भी गलत है क्योंकि देखिए, एसी कोच अब जब आपने ज्यादा बनाई और अच्छे नंबर बढ़ाए तो जितने मैन्युफैक्चरर हैं सबने कैपेसिटी बिल्डअप कर ली और सबको बहुत रोजी पिक्चर दिखाई दी, आई नो पर्सनली नाउ, और सडनली अब ये हाल हो गया है कि दे हैव टू रिट्रेंच पीपल। बंचिंग तो छोड़िए, उनको निकालना पड़ रहा है क्योंकि आपने नंबर जो है 1/3 कर दिए, तो ये भी इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा है। विदाउट टेकिंग मच टाइम, इन माई विजन आप वंदे भारत एसी कोचेज में ज्यादा फेयर लेके जरूर पैसा कमाइए और लोग देंगे पैसा अगर आप ट्रेन ठीक से चलाएंगे, और उसको फिर आप यूज करिए कॉमन मैन की सुविधा बढ़ाने के लिए,
क्योंकि कॉमन मैन को आप जब तक उसका केटर नहीं करेंगे उसको, तो डेवलप्ड ये आपका विकसित भारत कहां से बनेगा? विकसित भारत में का की छवि अगर 2047 में जैसे आज सेकंड क्लास पैसेंजर को आप ले जाते हैं वो देखिए, तो वो विकसित भारत तो कहीं दूर दूर से नहीं नजर आएगा, वो तो वही रहेगा भेड़िया दसान वाला भारत। तो एक मिक्स की जरूरत है। इसके लिए ये कहना कि इतने कम पैसे देते हैं तो इनको कैसे हम अच्छे से ले जाएं, ये बहुत डिफीटिस्ट है। ये पॉसिबल है, आप जब इतना पैसा लगा रहे हैं आप दोनों काम कर सकते हैं, ये आइदर और सिचुएशन नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली वंदे भारत बदनाम हो रही है ये इनकी इस करनी की वजह से, जब कॉमन आदमी नहीं ट्रेवल कर पा रहा ठीक से तो लोग कहते हैं इनका सारा अटेंशन वंदे भारत पे है, एसी कोचेस पे है, वो भी एक तरह से सही है। मेरे हिसाब से दोनों जरूरी था और ये दोनों में फेल हुए। जी सुधांशु, आनंद मैं आपसे इसका एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा। कॉमन मैन इज अ बिग वोट बैंक फॉर बीजेपी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वगैरह ये सब जानते हैं, इनका एक तरह से बीजेपी की तरफ ये लोग आए हैं। रेलवे इज द फेस ऑफ द गवर्नमेंट, हमेशा से रेलवे की एक बहुत अहमियत रही है, इंपॉर्टेंस रही है, और बचपन से हम लोग भी रेल ट्रेवल ही करते आए हैं, सेकेंड क्लास में भी रेल ट्रेवल करते थे, ये नहीं तब एसी भी नहीं होते थे, और हुए भी तो इमीडिएटली एसी में भी नहीं जाते थे। तो पीपल लुक फॉरवर्ड टू द रेलवेज, अगर आप उस सेक्शन को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दोगे तो क्या बीजेपी को ये डर नहीं है, क्या ये उनका एक वोट का हिस्सा ये उनसे नाराज होता जा रहा है? आनंद, मैं अजय, मैं थोड़ा दो मिनट ले लूंगा, क्योंकि जिस तरह जिस चश्मे से मैं देख रहा हूँ वो टेक्निकल नहीं है, वो रेलवे का टेक्निकलिटी नहीं है, उसमें एसी और जनरल नहीं है, वो एक लार्जर पिक्चर को मैं देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये रेलवे का मैं वहां से शुरू करूंगा, रेलवे का एक सेपरेट बजट हुआ करता था, और ये परंपरा आज की नहीं थी, ये परंपरा 1924 में जब अंग्रेज थे तब से परंपरा थी, 92 साल, 92 years दिस वेंट ऑन। और उसका मूल कारण ये था कि रेलवे भारत की इकोनॉमी और इंडिया की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा उससे आता था। और रेलवे को जब आप टोटेलिटी में देखेंगे तो जो हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी है उसका पार्ट एंड पार्सल रेलवे बनता था। और रेलवे नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ आप पैसे से उसको मत ताकिए, रेलवे एम्प्लॉयमेंट जनरेटर कितना था, जो मेरी जो समझ है उसमें शायद देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला अगर कोई विभाग था रक्षा और रेलवे में, शायद रेलवे एक जमाने में ज्यादा होता था, आजकल रक्षा ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि आजकल एक नया मैं उसको आई एम टेकिंग यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग वर्ड फ्रॉड हो गया है, ये ऑफ क्या होता है, संविदा पे लोग रखे जा रहे हैं, आप अपने रेगुलर लोगों को नहीं रखते हो, संविदा पे रखते हो, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। जो रेलवे एम्प्लॉयमेंट देता था वो डायरेक्टली, तो रेलवे के आदमी अगर मान लीजिए 100 हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल तय करके कहता हूँ कम से कम 1000 आदमियों को और एम्प्लॉयमेंट होता था, जो रेलवे स्टेशन के बाहर खोमचे वाले, रेलवे स्टेशन के बाहर जो चाय वाले, रेलवे में जो वेंडर्स, वो जो पूरे स्टेशन पे आप देखते थे। तो रेलवे हरदम किसी भी ग्रोथ स्टोरी का एक बड़ा पार्ट होता था। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से आता हूं, मेरे जो आज भी आजादी कितने साल बाद भी आज मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले के हेडक्वार्टर में रेलवे नहीं है। आप हवाई अड्डा सब जगह पहुंचा दे रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा है जहां पे रेलवे लाइन नहीं है उस जिला हेडक्वार्टर पे। और मेरे भाई चूंकि पॉलिटिक्स में थे वो जीवन भर इसके लिए लड़ते रहे कि हमारे यहाँ रेलवे आए, और उसका मुख्य कारण ये था कि अगर रेलवे आ जाती है तो वो अपने आप एक अपनी एक ग्रोथ स्टोरीज बन जाएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बनेगा, लोगों को, और वो उसको थोड़ा मेजर करना मेरे ख्याल में बहुत आसान नहीं होता है। अब जब आप पहला आस्पेक्ट तो यह है कि आपने रेलवे को और उसको किस लिए डाला, शायद ये आज चर्चा ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि आपने उसको जब पैसा आपने वहां देना शुरू किया तो पहले रेलवे का बजट आता था, तो हम लोग जब बचपन में थे तो अपना एक ही इंटरेस्ट था कौन सी नई ट्रेन चली, और जब बड़े होकर नौकरी करने लगे और भले ही अपनी तनख्वाह 1500-2000 होती थी तब होता था कि कितना इनकम टैक्स रिबेट बना, अपने को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन दैट वॉज दी ओवरऑल बजट वी यूज टू लुक फॉरवर्ड। एक ध्यान और रखिएगा, इस देश में रेल मंत्री जो होता था वो इस देश का भारी भरकम पोलिटिकल आदमी होता था, ही हैज अ पोलिटिकल वेट, और जब पोलिटिकल वेट मैंने इन टर्म्स ऑफ नहीं, उसकी एक कनेक्ट विद द लोकल पीपल था। वो क्यों बनाए जाते थे भारी भरकम? मैं 10-12 नाम आपको इसलिए दे दूं क्योंकि दर्शकों को रेफरेंस पॉइंट समझ में आ जाए। इस देश में जॉन मथाई, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, स्वर्ण सिंह, एसके पाटिल, टीए पाई, एल एन मिश्रा, कमलापति त्रिपाठी, मधु दंडवते, गनीकांत, बंसी लाल,
माधव राव सिंधिया, जॉर्ज फर्नांडिस, जफर शरीफ, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, लालू, खड़गे, सुरेश प्रभु, ये लोग इस रेल मंत्री बनते थे। और इसलिए बनते थे, इसमें से ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर उसमें रेस में रहते थे, कुछ चीफ मिनिस्टर बनते थे, देवर हैवी वेट, और उनको पल्स पता थी कि आम आदमी की जरूरत क्या है। अगर इस देश में कोई ये कहता है कि आम आदमी को हम चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे तो शायद यथार्थ से दूर है, उसका कनेक्ट नहीं है, उसको नहीं समझ में आता है कि रेल में कौन चलता है। आपने, और मैं स्पेसिफिकली नाम लेके इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं रेलवे का नहीं, और मैं एक मैं इसको ईमानदारी से कह रहा हूं, आप अश्विनी वैष्णव को क्यों रेल मंत्री बनाए? इफ हिज मैनेजरियल स्किल इज द क्राइटेरिया, तो रेलवे के सीआरबी को, पुराने कई सीआरबी हैं, बहुत से सीआरबी हैं कॉम्पिटेंट होंगे आपकी नजर में, आप उनको बनाइए। वॉट क्या, मुझे ये नहीं समझ में आता है वॉट अश्विनी वैष्णव हैज दैट एक्स्ट्रा। आप अगर पॉलिटिकल से शिफ्ट हो रहे हैं, मैं समझता हूं इकॉनमी आज जहां पे खड़ी है वहां पे मेरे हिसाब से कोई बहुत स्पेशलिस्ट होना चाहिए। आपको कहीं लगता है इस देश का जो भी नेतृत्व है उसको अगर ये लगता है कि इसमें भाई एक बहुत स्पेशलिस्ट आदमी होना चाहिए, ये नेता ऐसा से काम नहीं चलेगा, तो व्हाई नॉट अ ओल्ड सीआरबी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फंक्शंस अलग अलग है मेरी समझ में, हो सकता है रेलवे के लोगों को और सुधांशु को इससे ना अग्री, आई डोंट नो। श्रीधरन वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल रेलवे मैन एज फार एज वी आर कंसर्न। हमें नहीं मालूम वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, क्योंकि बाद में कंट्रोवर्सी भी आ गई थी जब वो मेट्रो बना रहे थे कि वो कहते थे ऑडिट नहीं होगा ये नहीं होगा, वो अलग बात। श्रीधरन जी जब पॉलिटिकल उसमें आए तो जमानत जब्त हो गई थी। तो मैनेजर होना और विभाग चलाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मैं आखिरी बात कहकर खत्म करूंगा, सुधांशु सिटिंग है, आप किसी भी निष्पक्ष रेलवे वाले से पूछ लीजिए जिसके ऊपर अभी बहुत सी और चीजें नहीं आई हैं रीसेंट टाइम्स में, जो हम लोगों का टाइम है, हमारे पिताजी का पिछले 20-25 साल का था, वो सक्सेसफुल रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव हुए, और जिसको हम सब लोग जनरली एक जोकर के रूप में और बहुत ही अनसीरियस और बहुत ही अनकूथ और बहुत ही भ्रष्टाचारी के रूप में देखते हैं। बट एज फार एज द रेलवे इज कंसर्न, जिस आदमी ने सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी रेलवे को दी, जिसने रेलवे को समझा और रेलवे को समझ के आम आदमी को भी दिया और रेलवे को भी दिया। रेलवे में अगर चोरी होती थी ओवर लोडिंग की वैगन में, तो उसने कहा जब चोरी होती है तो इसको ओवर, मैं बहुत सी चीजें नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको रेलवे को लीड करने के लिए पॉलिटिकल आदमी चाहिए, मैनेजर से लीड नहीं होगा। तो फर्स्ट राउंड में मैं इतना ही कह रहा हूँ, नेक्स्ट में अगर कुछ होगा तो और करूंगा। अजय जी, जी मैं अब पंकज से फर्स्ट राउंड में, पंकज क्योंकि प्योर टेक्निकल है और रेलवे के साथ बहुत इन्होंने काम किया है, तो पंकज आजकल जो एक जो खबर आ रही है वो एक्सीडेंट्स को लेकर है। अब ये मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि यूपीए टाइम कितने हुए और इसमें कितने हुए, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हो सकता है पिछले 10 साल में कम हुए हों, इस जब आप कंपेयर करें यूपीए के, ये आजकल ये डेटा घूम रहा है, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग, मतलब एक एक्सीडेंट इज अ एक्सीडेंट। हम लोगों का रिस्पॉन्स टू द एक्सीडेंट प्लस एक ओवरव्यू कि ये आपके उसमें रेलवे की कॉम्पिटेंस इसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि आप देख चुके हैं इन लोगों को, इज रेलवे रियली हैंडलिंग दिस एक्सीडेंट्स द वे दे शुड, इसमें आपका क्या विचार है पंकज? थैंक यू अजय। जैसा कि सुधांशु जी ने कहा, रेलवे हमारी लाइफलाइन है, आनंद भी ये कह रहे थे कि बचपन से हम लोग देखते आए हैं। तो एक्सीडेंट्स के बारे में, क्योंकि हमारी लाइफलाइन है और क्योंकि हम लोगों का ऑलमोस्ट सभी का कुछ ना कुछ की कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई हैं रेलवे से, या हम इस्तेमाल करते हैं रेलवे को, चाहे वो लोकल ट्रेन हो बॉम्बे में, दिल्ली में, हैदराबाद में, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हो। एक्सीडेंट्स एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली इफेक्ट करती है, मेंटली साइकोलॉजिकली, और कंसर्न दिमाग में उठता है नेचुरली। मेरा करीब 40 साल का जो तजुर्बा है रेलवे के साथ डील करने में, एज एन एंटरप्रेन्योर एंड सप्लायर ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फॉर वेरियस एप्लीकेशंस इन रेलवेज, वो ये है कि रेलवे इज
मेरे हिसाब से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस कंट्री विच हैज वेरी टेक्निकली कॉम्पिटेंट पीपल हु नो व्हाट दे वांट एंड आर विलिंग टू टेक रिस्क to a large extent. I don't know how much Mr. Sudhanshu Mani will agree with that. He has been an insider there, of course. But from an outside perspective, I have found railway people to be very technically competent. Jahan tak accidents ki baat hai, ye nahi hai obviously ki accidents ke upar koi tawajjuh nahi di gayi hai. Tawajjuh di gayi hai, technologies aayi hai, solutions aaye hain. जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, अगर 2001 में देखें तो एक स्टैटिस्टिक होती है इनकी कि कितने एक्सीडेंट हुए पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर्स. दैट फिगर इन 2001 वाज अप्रोक्सीमेटली 0.44 एक्सीडेंट्स. या ये एक्सीडेंट्स मतलब किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो, इसमें कोलिजन हो, डिरेलमेंट हो, कुछ भी हो, फायर हो, लेवल क्रॉसिंग पे एक्सीडेंट हो, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर्स वाज 0.44. इसका मतलब ये हुआ कि करीब तकरीबन आप समझ लीजिए कि 2.27 मिलियन ट्रेन किलोमीटर्स के बाद एक एक्सीडेंट ऑन एन एवरेज होता था. 2.25 मिलियन, 23 लाख ट्रेन किलोमीटर के बाद एक एक्सीडेंट होता. By 2013, this figure had fallen from 0.44 to 0.17. इसका मतलब एक एक्सीडेंट तकरीबन 6 मिलियन किलोमीटर, 60 लाख किलोमीटर पे होना शुरू हो गया, थोड़ा 60 लाख से थोड़ा सा कम. And by 2022, this figure is estimated to have, you know, come down to an accident every 10 million odd train kilometers. So this is progress. अगर हम इसे कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से, 35 कंट्रीज की एवरेज एक है. ये जो फिगर्स मैं कोट कर रहा हूँ ये एक सीएजी की रिपोर्ट से हैं 2021 की. ये 35 कंट्रीज की एवरेज से देखें अगर, तो उनका एक्सीडेंट रेट तकरीबन 1 एक्सीडेंट एवरी 2.5 मिलियन किलोमीटर से, ट्रेन किलोमीटर से. तो आज अगर हमारा एक एक्सीडेंट 10 मिलियन की ट्रेन किलोमीटर पर होता है तो ये उससे बेटर है. लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम तकरीबन 23,000 गाड़ियां रोज चलाते हैं, 23,000. इसमें से करीब 14,000 तकरीबन पैसेंजर ट्रेन्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो, लोकल हो, सबर्बन ट्रेन नेटवर्क में हो, और तकरीबन 9,000 के करीब गुड्स ट्रेन्स, फ्रेट ट्रेन्स चलाते हैं हम. तो अगर आप ये 23,000 और ट्रेन किलोमीटर्स का मतलब, ये फिगर्स पे मत जाइए ज्यादा जो मैं बोल रहा हूँ इस वक्त, एक ऑर्डर, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ मैं. मान लीजिए कि ये सारी गाड़ियां जो ऑन एन एवरेज एक गाड़ी से मान लीजिए 500 किलोमीटर चलती है दिन में. अब कुछ गाड़ियां होंगी जो 1500 भी चलती हैं, 1400 भी चलती हैं, और कुछ गाड़ियां होंगी जो 200 चलती हैं. लेकिन मान लीजिए एवरेज 500 किलोमीटर लें तो 23,000 गाड़ियां अगर चलती हैं तो मतलब हम तकरीबन 11.5 लाख किलोमीटर ट्रेन किलोमीटर रोज चलती है गाड़ियां. तो अगर हमारा एक्सीडेंट रेट 1 in 10 million है, 10 मिलियन ट्रेन किलोमीटर, हर 10 दिन आपका एक एक्सीडेंट होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, जो भी होगा, 8 से 10 दिन में एक एक्सीडेंट आपका होगा. तो अब ये एक एक्सक्यूज नहीं मैं बना रहा रेलवे के लिए, ये मैं सिर्फ प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड को दर्शाने के लिए कह रहा हूं कि अगर इतना आपकी डेंसिटी है ट्रेन की और वॉल्यूम है ट्रेन ट्रैफिक की, मतलब ये एक फिगर बहुत कॉमनली कोट किया जाता है कि हमारी जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर रोज पैसेंजर्स को मूव करती है. तो अगर इस टाइप का अगर हम लोड डाल रहे हैं अपने नेटवर्क पे, तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारा तवज्जो है सेफ्टी पे वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए जितना कंपेयर टू व्हाट इट इज एक्चुअली. दिस इज ए इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम आउटसाइड. I'm not denying that there is a lot of progress in the past, especially in the past couple of decades on rail safety issues. I also do not deny ki ye jo ek rail safety ka issue hai, ye capital intensive cheez hai, to paisa zaruri hai iske liye.
लेकिन सिर्फ एक मैग्नीट्यूड दर्शाने के लिए कि हमारा तवज्जो ज्यादा होना चाहिए और हमें मुझे लगता है कि वी शुड नाउ स्टार्ट लुकिंग एट इट नॉट जस्ट एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट समथिंग विच कैन बी रेक्टिफाइड बाई स्पेंडिंग मनी, बट आई थिंक वी नीड टू बी स्मार्ट अबाउट इट. और आज हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी है जिससे जिसके इस्तेमाल से मतलब वो जो कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. आप पोस्टमार्टम एनालिसिस, सॉरी फॉर यूजिंग दैट स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट पोस्टमार्टम पोस्ट फैक्टो एनालिसिस करना और फिर उसका किसी तरीके से कुछ मुआवजा दे देना या कुछ मतलब दो चार दिन के लिए डिस्कशन कर लेना, वो एक बात है. लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो हर दिन हर घंटे हर मिनट रेलवे को करनी देखनी चाहिए कि सेफ्टी जो है ये पैरामाउंट होनी चाहिए. अगर आप कह रहे हैं जैसा कि आपने पहले भाग में कहा इस डिस्कशन के कि ज्यादा ट्रैफिक इंक्रीज नहीं हुआ है पिछले 4-5 साल में 10 साल में जो आप कह रहे थे, मैं सहमत हूं आपसे कि ज्यादा इस दौरान शायद इतनी ज्यादा ट्रेनें नहीं इंट्रोड्यूस की गई हैं, नई ट्रेन्स जैसा कि पहले होता था. लेकिन जो लोड है हमारे नेटवर्क पे वो है. अगर 23,000 गाड़ियां चलती हैं, 1,26,000 ट्रैक किलोमीटर्स हैं हमारे नेटवर्क में, करीब 60,000 रूट किलोमीटर्स, करीब 1,25,000 से ऊपर ट्रेन ट्रैक किलोमीटर्स हैं, तो हर किलोमीटर पे हर मीटर पे कुछ ना कुछ एक इवेंचुअलिटी हो सकती है जिसका बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा. और दूसरा एक टू वाइंड अप दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ माय सबमिशन हियर, एक बात मैं और बताऊं यहाँ पे कि हमारा जो टेंशन है वो कोलिशंस पे ज्यादा आता है, क्योंकि कोलिशंस बाय देयर वेरी नेचर आर वेरी डैमेजिंग टू प्रॉपर्टी एंड इवन टू लाइफ. लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो द मेजर टाइप ऑफ एक्सीडेंट विच अकर्स इन इंडियन रेलवेज इज नॉट कोलिशंस, इट इज डीरेलमेंट्स. अगर आप देखें तो 80% से ऊपर करीब और तकरीबन 75-80% के बीच जो एक्सीडेंट्स होते हैं रेलवे में वो डिरेलमेंट के होते हैं, वो कोलिशंस के नहीं होते. अब डिरेलमेंट क्यों होता है उसके कई कारण हो सकते हैं और कई कारण मतलब जो कारण है वो एनालिसिस ने बताए भी हैं. तो ऐसा नहीं हमें नहीं मालूम क्यों होते हैं एक्सीडेंट्स, लेकिन कारण कई हैं और इन सब कारणों को देखना एक मुश्किल काम है लेकिन इम्पॉसिबल काम नहीं है. और मैं अगर परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल लगाऊं तो आपने 80% तो काम कर लिया, बाकी 20% में आपका 80% लागत भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, लेकिन वो करने के अलावा कोई चारा नहीं है. तो आगे अगले भाग में और डिस्कस करेंगे इस बारे में, बट जहां तक मुझे पहले भाग में कहना है कि हाँ सेफ्टी इंप्रूव हुई है, कई गुना इंप्रूव हुई है, लेकिन इससे सिर्फ हमें एक सीख लेनी चाहिए कि हमें ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करनी है सेफ्टी और कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने की कोशिश करनी. अजय जी जी, अब मैं सुधांशु आपको यही डिस्कशन आगे ले जाएंगे सेफ्टी का. मैं आपको इस साल का एक बजट का मैं स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ और उस बजट में मेरे को एटलीस्ट वो लाइन आइटम दिख नहीं रहा जहाँ पे सेफ्टी के लिए कुछ अलग से अलोकेशन किया गया है. काफी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रूव किया है बजट में. तो ये टोटल बजट फॉर रेलवे 24-25 का 2,78,500 करोड़ है, जिसमें से ये पिछले साल से अगर मैंने ये डेटा ठीक लिया है तो जो रिवाइज बजट था लास्ट ईयर का उससे कुल 20 करोड़ ज्यादा है. लेकिन इसमें 2,62,000 करोड़ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अलोकेट किया गया है. और ये बजट हेड्स हैं सुधांशु, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एज सच सेफ्टी का एलोकेशन कहीं नहीं है. और काफी चीजें जैसे अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स में आ गया है 144% इंक्रीज है, न्यू लाइंस 22% इंक्रीज है, रोलिंग स्टॉक में कम एलोकेशन हुआ है. तो सुधांशु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि सेफ्टी पर ये किस हेड में पैसा लग रहा है, और दूसरा आपने कहा रोलिंग स्टॉक बढ़ाया जा रहा है, उसका एलोकेशन तो कम हुआ है,
तो वहां पे भी वैगन उतनी तो नहीं बनेंगी जितनी लास्ट ईयर बनी थी, तो वो ओवर जो लोडिंग हो रही है या पैसेंजर्स क्रैम्पिंग हो रही है वो तो शायद कंटिन्यू करेगी। सुधांशु, दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं। ये रोलिंग स्टॉक, ये एक साल का आपने दिखाया, रोलिंग स्टॉक का अगर आप आउटले देखें ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स तो ये बढ़ रहा है। ये इस साल शायद 58,000 करोड़ है। अच्छा, अब इसमें देखिए सेफ्टी थोड़ा द वे इट इज टर्म इज यूज इट इज अ लिटिल एम्बिगुअस। अगर आप ट्रैक रिन्यूअल कर रहे हैं तो ट्रैक रिन्यूअल एक हेड है जरूर, लेकिन इट वुड हेल्प सेफ्टी ऑल्सो। सिमिलरली अगर आप सिग्नलिंग हेड में पैसे लगा रहे हैं और कवच को आपने वहां दिखाया हुआ है तो वो दैट्स ऑल्सो सेफ्टी वर्क। अभी मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि हमने 1,00,000 करोड़ जो है वो शायद ओवर आई डोंट नो पीरियड क्या दिया है उन्होंने, पूरे का दिया है, सेफ्टी में लगा दिया, ये भी एक एम्बिग्युइटी है। तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं ये कहूंगा कि आपके पास अनलाइक अर्लियर द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू गिव यू मैसिव फंड एंड ऑल फ्रॉम द बजट। अब बोरोइंग्स भी नहीं है, आप देखिए 2.62 में 2.52 इज GBS एंड EBR एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स केवल 10,000 करोड़ है इस साल, क्योंकि वो इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ रहा है, इनको समझ में आ गया कि ये बढ़ाते जाएंगे तो वो इट विल रीविजिट अस। बात ये है कि वेदर क्रेडिट टू दिस गवर्नमेंट और नॉट, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन। और आप अगर एग्जीक्यूट करने का सामर्थ्य नहीं रख रहे हैं तो आपका पैसा अलॉट करना या नहीं करना बेकार है। आप एग्जाम्पल देखिए, पहले तो जो सेठी साहब बात कर रहे थे डेटा उनका एकदम सही है, बट पॉइंट ये है कि ये तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। कहीं पे आप अजय जी आपने भी कहा था कि ब्रिटिश टाइम से कंपेयर कर लीजिए, तो ये कोई कंपैरिजन का एक मीनिंगलेस है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आती जा रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, आप पैसे लगाते जा रहे हैं तो सेफ्टी तो इम्प्रूव करनी है। तो वो डेटा एक्चुअली वो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है एक्सीडेंट होने के बाद वो बात करना। ये आप देखेंगे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव वही डेटा बयान करने लगते हैं कि पहले इतने लोग मरते थे अब इतने हैं, वो बात सही है। बात यह है कि आप क्या कर सकते थे, और स्पेशली जब इतना फंड आपके पास है और आपने क्या किया, तो इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट के बाद आपका अपना डिक्लेरेशन है 3 साल पहले कि हम कवच सिस्टम लगाएंगे, इंपोर्ट और ETCS लेवल 2 कहते हैं, इंपोर्ट और कवच के बीच में एक बैटल चल रही थी बहुत दिन से, कुछ लोग इंपोर्ट चाहते थे कुछ, अब वो सरकार ने फैसला लिया तो हम तो ये मानेंगे कि जब सरकार ने फैसला लिया इसका मतलब सरकार को कवच की इफेक्टिवनेस में पूरा कॉन्फिडेंस है। हम इसमें नहीं जाएंगे कि है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, कितना सेफ एंड सो ऑन। तो जब आपने ये फैसला ले लिया तो आप पिछले 3 साल में 1 किलोमीटर नहीं ऐड कर पाए, आप 1400 पे थे और 1400 पे पड़े हैं। आप ठीक है, कवच लगाना इज थोड़ा डिफिकल्ट काम है, बिकॉज हर स्टेशन पे जाके आपको टावर लगानी है, कंट्रेक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या प्रोग्रेस ये होगी कि आपने 0 ऐड किया 3 साल में जबकि एक्सीडेंट्स हो रहे थे। एक चीज और सेठी साहब के की बात पे क्लेरिफाई कर दूं कि ये बात सही है कि डिरेलमेंट ज्यादा होते हैं लेकिन डेथ जो है वो कोलिजन में ज्यादा होती है, जो सीरियसनेस है एक्सीडेंट की वो कोलिजन में ज्यादा आती है। आप देखिए जितने ये मैसिव एक्सीडेंट्स हुए जिसमें बहुत जाने गई हैं वो ज्यादातर कोलिजन ही मिलेंगे आपको। तो ये कवच की इंपॉर्टेंस पैरामाउंट है और आपने खुद कहा है कि हम यही लगाएंगे, तो आपकी प्रोग्रेस इतनी स्लो क्यों है? अब मैंने 2 सक्सेसिव CEOs का बयान पढ़ा कि प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है बिकॉज इंडस्ट्री में कैपेसिटी नहीं है। ये बहुत ही डिफीटिस्ट स्टेटमेंट है। इंडस्ट्री की कैपेसिटी आपको बिल्डअप करनी है, आप कॉन्फिडेंस दोगे, आप एश्योरेंस दोगे, आप कहोगे कि हाँ भाई लगाओ पैसा 10 साल तक ऑर्डर मिलेगा, ये आपका काम है, वो आपने किया नहीं हो इंडस्ट्री को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये कवच का तो बहुत बड़ा फेलियर है। अच्छा, जो सेफ्टी इंप्रूवमेंट हुआ है वो किसी गवर्नमेंट से उसको रिलेट करना ठीक नहीं है। ये ओवर द इयर्स आपने ट्रैक में इंप्रूवमेंट किए, आपने लेवल क्रॉसिंग अनमैन पूरी 0 कर दी। ये काम बहुत पहले से चल रहा था, कोई इस सरकार ने किया हो ऐसा नहीं, इन्होंने पैसा इनका ज्यादा है तो उन्होंने थोड़ा और स्पीड भी कर दिया, तो 30-40% एक्सीडेंट विथ फेटलिटीज तो वहीं कम हो गए और ट्रैक में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। LHB कोचेस का इंडक्शन आपने बढ़ाया, चलिए क्रेडिट उसका आपको दिया जा सकता है, उसकी वजह से कोलिजन में भी डेथ बहुत कम होती है। अभी
और डिरेलमेंट में भी, अब ये जो एक्सीडेंट हुआ आपका झारखंड में, अगर यहाँ ICF कोच होती तो इसमें बहुत फेटेलिटीज हो जाती, इसमें सिर्फ दो की मृत्यु हुई है। ये एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, तो उसमें जाना गलत है। हमें ये देखना है कि इतना पैसा मिलने के बावजूद आप ऐसे काम जिनसे एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सके वो कितना कर पा रहे हैं। तो कवच एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, देखिए कंचनजंगा एक्सीडेंट ने ये हमें दिखाया कि उससे पहले 100 से ज्यादा नियर मिसेज हो चुके थे, हर ड्राइवर अपने हिसाब से जा रहा था और कोई भी उनमें से एक्सीडेंट में हो सकता था कन्वर्ट। अब आपके लिए मैनुअली पॉसिबल नहीं है ये सब पूरा एनालाइज करना, पोस्टमार्टम आप करते हैं सिर्फ जब एक्सीडेंट हो जाता है। आपके पास हर स्टेशन पे डेटा लॉगर है, आपके पास हर ट्रेन में माइक्रो प्रोसेसर है विद इट्स ओन मेमोरी जो कि एक सर्वर पे लैंड करता है। आप ये डेटा रोज कोलेक्ट करिए, एक साल लगाइए, बढ़िया AI की कंपनी पकड़िए, आपको सारे नियर मिसेज वो दिखाए। नियर मिसेज मैम, बेकार के अलर्ट से कोई फायदा नहीं होता, फिर वो न्यूसेंस हो जाता है। एवरी नियर मिस शुड बी अपग्रेडेड, द इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन राइट टू द टॉप, और उसके ऊपर आप काम करिए तो देखिए सेफ्टी कल्चर अपने आप आएगा। काउंसलिंग ट्रेनिंग ये सब ठीक है, ये तो हमेशा से हम लोग सुनते आ रहे हैं जब से नौकरी में आए और जब से निकले, तो आप इस मॉडर्न टूल का इस्तेमाल करिए। ये पिछले जब से ये एक्सीडेंट शुरू हुए हर बार ये मैं बोलता हूँ, मुझे कोई पॉजिटिव एक्शन अभी तक नहीं दिखा कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके एक मीनिंगफुल अलर्ट जनरेट करने का कोई काम किया क्या। कंचनजंगा इज एन आई ओपनर, मैंने आपको जैसा बताया कि वो बेचारा जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था उसको पीछे से आके चोट लग गई, बाकी जितने ड्राइवर थे अपने हिसाब से जा रहे थे और वो सब इट वॉज अंडर द कार्पेट, सबको मालूम है कि सेफ्टी वायलेट करते हुए जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप AI को यूज करते तो ये बहुत बढ़िया आपको अलर्ट मिलता और आप लोग एक सेफ्टी कल्चर इसमें डेफिनेटली आएगा। ये दो चीज मैं बोलूंगा और बहुत से काम तो है, ट्रैक में काम होना चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। इतना हम लोग के टाइम में तो फंड वॉज अ बिग प्रॉब्लम, अब ये इन्होंने इतना जब पैसा अलॉट कर ही दिया है तो उसके बाद सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल होना चाहिए। और आपका जो पहले पार्ट में था जो फाइनेंशियल कंडीशन है रेलवेज की, ये भी एक अलग मुद्दा है, हालांकि सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है, कि आप जब इतना पैसा लगा रहे हैं तो इसका रिटर्न कब, आप कब तक इंतजार करेंगे। अभी तक तो सुनते आए थे कि टाइम लगता है, पर ये आप 4-5% पे ग्रो कर रहे हैं, कंट्री आपके हिसाब से 7-8% से ग्रो कर रही है, ट्रांसपोर्ट शुड ग्रो दे से डबल द रेट, चलिए डबल नहीं 10% तो ग्रो करिए, वो आप कर नहीं रहे हैं, तो क्या जिंदगी भर रेलवे ये उधार पे चलेगी, सरप्लस जनरेशन जीरो। तो ये तमाम मुद्दे हैं इसमें। अब सेफ्टी की बात हो रही थी इसलिए सेफ्टी में मैंने कहा कि बजाय डेटा देखने के ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं जो अभी तक हमने नहीं किया, और अब से उस पर फोकस बढ़ाइए, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। सुधांशु, आपने सरप्लस की बात की, मैं जस्ट दर्शकों को डेटा दिखा दूं, ये है सरप्लस जो रेलवे का, इसमें 2015-16 तक काफी ज्यादा सरप्लस होता था रेलवेज का, उसके बाद से ये धीरे धीरे गिरा है। आप कोरोना का पीरियड छोड़ दीजिए तो 2000 करोड़ के आसपास का इसमें सरप्लस दिखाया गया। मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, अजय, ये जो 2000 भी है ये है नहीं, ये डेप्रिसिएशन में आपको अलॉटमेंट देना रहता था और 5-10 हजार करोड़ कम से कम दिया जाता था। वो पुराना जो आप फिगर दिखा रहे हैं उसको देखिए तो उसमें मिलेगा। अब ये जस्ट इसको थोड़ा सा सरप्लस दिखाने के लिए, जिससे ऑपरेटिंग रेशियो 99 के आसपास रहे, ये डेप्रिसिएशन में पैसे देते ही नहीं है, 500 करोड़ दिखा दिया एक नॉमिनल सा, क्योंकि इनको मालूम है कि सरकार तो 2.5 लाख करोड़ दे ही रही है, तो हम डेप्रिसिएशन में अलॉटमेंट दें या ना दें क्या फर्क पड़ता है। तो ये सरप्लस भी है नहीं, एक्चुअली लॉस है, ये एक मैन्युफैक्चर्ड सरप्लस आपको दिखाई दे रहा है जी। ये सीरियस कंसर्न है, ये रेलवे, या तो ये मान लें कि रेलवे जो है ऐसे ही चलेगी, सरकार देती जाएगी और रेलवे खर्च करती जाएगी, रिटर्न नहीं आना इस पे जी। मैं ये कवच को लेकर मैं पंकज के पास आऊंगा लास्ट में, ये थोड़ा बहुत कवच प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व हैं तो थोड़ी सा खबर ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले आनंद, मैं एक आपसे टिप्पणी चाहता हूँ, जो एक आजकल काफी बात चल रही है कि इंडियन रेलवे भी एयर इंडिया की तरह होने जा रही है, सारे इंडिकेशन वैसे ही है, कैपिटल इंटेंसिव है, रिटर्न आ नहीं रहा है, पैसेंजर ट्रैफिक ड्विंडलिंग है, तो धीरे धीरे
क्या सरकार अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगी इसका बहाना लेके कि रेलवे तो लॉस में जा रही है, कुछ हो नहीं रहा है, हमारा पैसा खर्च रहा है, तो क्या अब हम धीरे धीरे प्राइवेट ट्रेन, और हम जानते हैं वो प्राइवेट ट्रेन कौन चलाने वाला है, वही दो लोग हैं जो इसको कल A1 A2 बोला गया था, तो अब हम A1 एक्सप्रेस और A2 एक्सप्रेस के आएंगी बैकडोर से, और धीरे धीरे कॉमन मैन बिल्कुल ही, मतलब वो आप बस से जाए, स्कूटर से जाए, जैसे मर्जी जाए, रेलवे विल बिकम अनरीचेबल फॉर इट। आनंद नहीं, मैं अजय, मैं दो चीजें, क्योंकि मैं एक दो चीजों पे मैं भी बताना, जो मेरी समझ है उस तरह से मैं उसको देखना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बेसिक पे बात कर लूं। एज समवन हु इज नॉट ए स्पेशलिस्ट, हमें समझ में आता है एमिनिटीज, एक्सपेंशन और सेफ्टी, ये तीन मोटे भाग होते हैं जिसमें रेलवे या कोई भी प्रोजेक्ट काम करता है। एमिनिटीज में जो आता है तो एक स्पीड है कि भाई अब वो बुलेट ट्रेन चलेगी कि आंख झपकते ही आप यहां से वहां पहुंच जाएंगे, आप जब तक आंख झपकाएंगे तब तक कहीं पहुंच जाएंगे, कुछ इस तरह की। एक क्वालिटी ऑफ ट्रेवल है जो सुधांशु जिसमें बहुत एम्फसाइज करते हैं, उनका कहना है कि भाई इस देश में क्यों नहीं एक आम आदमी को ये मिलना चाहिए, क्यों नहीं इस कॉस्ट पे मिलना चाहिए, क्वालिटी ऑफ ट्रेवल है। क्वालिटी ऑफ ट्रेवल में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो रोज सुबह से शाम तक आपने भी कोई स्लाइड अभी लगाएंगे तो उसमें दिख जाएगा। एक्सपेंशन और सेफ्टी, अगर आप आज कार लेने जाते हैं तो आज एक हम मोटे तौर पर कह रहे हैं हम कार इस देश का 1% से कम ही आदमी कार, जिन कारों की बात हम कर रहे हैं, मारुति की बात, तो पहले आप क्या सीट बेल्ट, अब आप देखते हैं कि कितने एयरबैग्स हैं, वो दो हैं कि चार हैं कि छह हैं कि इधर से भी बचाते हैं। सेफ्टी इज द प्राइम कंसर्न, अगर आपके आपका आप उसकी ट्रेन नहीं है तब ये है। देखिए स्टैटिस्टिक्स में मैं थोड़ा मैं माफी के साथ पंकज जी, स्टैटिस्टिक्स इज समथिंग आप मुझे दे दीजिए और खड़ा कर दीजिए कि इधर की बात को वो करना, मैं उधर की बात को प्रूव कर दूं। स्टैटिस्टिक्स इज कैनॉट बी वो, हिंदुस्तान के 140 करोड़ से जब आप भाग देंगे ना तो दुनिया के सारे उसके साथ वो परसेंटेज में वो कुछ और आएगा, आप नंबर्स नहीं बोलते। बीमारी क्या होती है, या तो परसेंटेज पे चलो या नंबर्स पे चलो। रेलवे का बजट बढ़ा, परसेंटेज में बातें हो, एक्सीडेंट इतने परसेंट हुए, नंबर्स में बातें हो। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज नॉट द ट्रू रिफ्लेक्शन, मैं बिल्कुल इस पर क्लियर हूं। मैं एक दो चीजें बेसिक चीजें आपसे जरा, मैं बहुत बेसिक्स की बातें कर रहा हूं। ये जो विभाग था रेलवे, इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे, माधवराव सिंधिया इसके पहले रेल मंत्री बने जब ये अलग किया गया। अब आप मुझे मंत्रालय में अगर आप स्टेट गवर्नमेंट पे देख लीजिए तो सबसे बड़ा मंत्रालय जो माना जाता है उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए मतलब सरकार आने जाने पर लगी हुई है, वो है PWD और इरिगेशन। हमारे आपके जो दोस्त मित्र के पिताजी भी PWD और इरिगेशन में जिसके इसके काम करते थे, वो आप देखते थे वो कार में आते थे, उनका उनकी लाइफस्टाइल दूसरी। और क्यों है, क्योंकि वहां कैपिटल एक्सपेंसेस ज्यादा है, कोई भी आदमी छोटे मोटे में नहीं जाना चाहता है। बेसिक शिक्षा में कौन जाएगा, जो सबसे रद्दी मंत्री होता है उसको बेसिक शिक्षा में शंट कर दिया जाता है, और जो सबसे ताकतवर है वो PWD में जाता है। चीजें स्पष्ट है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, जब आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और रेलवे को आपने अलग इसलिए किया क्योंकि आपकी लॉजिक है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की, कि भाई ये बहुत स्पेशलाइज्ड है, इसमें बहुत टाइम लगता है, इसको बिल्कुल ठीक से देखना पड़ता है, बहुत अच्छी बात है, इट इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड थिंग, यू नीड अ वेरी समवन हु हैज अ फुल टाइम थिंग। जो करंट रेल मंत्री हैं वो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं, वो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT है, और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, वो तीन विभाग। वेयर इज द लॉजिक, आप उसको फिर क्यों अलग कर रहे थे? अगर आप एक मंत्री को तीन अलग अलग विभाग देते हैं जिसका एक दूसरे से रिलेशनशिप नहीं है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और उसको क्यों अलग कर? और आप रेलवे का जो आपकी स्टेटस, आपकी स्टेटिस्टिक्स बता रही है कि जब से आपने रेलवे बजट को अलग किया ये नीचे आने लगा, क्योंकि आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंसेस में है। और मैं भी एक कंपनी में काम किया हूं, सबसे ज्यादा माल बनाया जाता था कैपिटल एक्सपेंसेस। मेरे एक चेयरमैन हुआ करते, मैं परचेज डिपार्टमेंट का, वो एक बार भी उनका फोन नहीं आया, एक भी फाइल, मैं कोयला खरीदता था, एक बार भी नहीं आया कि इसको दे दो या इसको दे दो। वो मित्सुबिशी की जगह जाके कोई जर्मन कंपनी से कर देते थे, दैट वाज एनफ। 1500 करोड़ आपकी पॉलिसी में चेंज होते हैं पैसे,
वो इसमें नहीं होते हैं कि ये हमें दे दो, जो हमारी पत्नी करती है धनिया दोगे तो वो मिर्चा दोगे, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट द बाय बाय पॉलिसी मेकिंग कि वेदर आई गो बाय दिस इंजन और दिस दैट इंजन, मैं इसकी बात कर रहा हूं। और मैं जब आज ये बात उठ रही है तो किसी दिन आप एक जरूर करिएगा, क्योंकि दो वरिष्ठ लोग बैठे हैं जो ये जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें लगाया। रेल का इंजन छोड़ दीजिए, आज हम लोग रेल पे बात करें, हिंदुस्तान एक इंजन नहीं बना पाता है। आज कार इंजन भी टोटली इंपोर्टेंट है। आप किस किस टेक्नोलॉजी और किसकी बात कर रहे हैं? कवच में क्योंकि पैसा नहीं आएगा, कवच में आप अगर ठेका देंगे तो माल बहुत कम कमीशन आएगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट फिक्स है, उसका पता है दुनिया को कि इतने में ही यह मामला बन जाएगा, इसलिए किसी का इंटरेस्ट। सब लोग बोगी खरीदना चाहते हैं, इंजन खरीदना चाहते हैं, ये सारी वाहियात चीजें खरीद, टाइल्स लगवाना चाहते हैं, ग्रेनाइट लगवाएंगे रेलवे प्लेटफॉर्म पे कि गिर के हाथ पैर ही टूट जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज आपको सेट करनी होगी। रेलवे में सेफ्टी हैज टू बी द पैरामाउंट, इट हैज टू बी सेफ्टी ड्रिवन। आप कितनी जल्दी पहुंच रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, आप सुरक्षित तो पहुंचिए। तो वो शायद रीराइट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा अजय जी। जी थैंक यू आनंद। तो लास्ट सेक्शन में मैं पंकज के पास आता हूँ। पंकज, आपका एक्सपीरियंस अभी तक कवच पर, और बेसिक क्वेश्चन ये है कि कवच जल्दी क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है? आनंद ने एक उसका एस्पेक्ट का जिक्र किया है जो फाइनेंशियल है, बट टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैलेंजेस हैं और क्यों नहीं ये आगे बढ़ रहा है? पंकज अजय, इस बात का जवाब देने से पहले एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। सुधांशु जी ने भी और आनंद जी ने भी स्टैटिस्टिक्स के बारे में कहा जो मैंने कोट करी थी, मैं उनसे दोनों से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा मकसद स्टैटिस्टिक्स कोट करने का सिर्फ इतना था कि जो प्रोग्रेस हुई है वो है अपनी जगह, लेकिन अब जो करना है उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो अगर सरकारी आंकड़े और सरकारी वक्ता जो होते हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो अगर उसी टाइप की स्टैटिस्टिक्स देते हैं जैसी मैंने दी, तो मेरा मतलब सिर्फ उनसे अलग ये है कि ये तो सब हो गया, नया क्या करना है, आगे क्या करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। सुधांशु जी ने एक इस बारे में बिल्कुल सही बात करी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। मैं कवच पे आता हूं एक मिनट में। कंचनजंगा एक्सप्रेस का था झारखंड में जो अभी एक्सीडेंट हुआ, वो एक है डिरेलमेंट वाला, लेकिन मैं उससे थोड़ा पहले पिछले साल जाना चाहता हूं, बालासोर वाले एक्सीडेंट पे, कोरोमंडल एक्सप्रेस वाले एक्सीडेंट। कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट था वो एक, अगर आप देखें तो मतलब एक थ्रिलर टाइप की स्क्रिप्ट का नतीजा था। उसमें पहले मैं ये कह दूं कि मुझे नहीं लगता कि कवच उस एक्सीडेंट को प्रिवेंट करता, अगर होता भी वहां पे कवच इंप्लीमेंटेड। उसमें हुआ ये था कि बहानागा बाजार जिस स्टेशन पे एक्सीडेंट हुआ बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें एक लूप लाइन थी और दो मेन लाइन थी, तो दोनों साइड लूप लाइन थी और बीच में मेन लाइन थी। तो अब ये एक्सप्रेस गाड़ी आ रही थी हावड़ा से चेन्नई वाली कोरोमंडल, इसको ऑब्वियसली मेन लाइन पे जाना था, उसको रुकना नहीं था वहां। अब हुआ ये कि वहां पे जो पॉइंट होता है, पॉइंट एक ऐसी चीज होती है जो ट्रैक को स्विच करता है, गाड़ी एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पे स्विच होती है पॉइंट ऑपरेट होने से। तो वो पॉइंट जो सेट था वो लूप लाइन के लिए सेट था, मेन लाइन से जो गाड़ी आ रही थी। लेकिन जो डिस्प्ले था स्टेशन मास्टर के रूम में, उसमें ये दिखा रहा था वो पॉइंट कि वो मेन लाइन के लिए सेट। तो एक्चुअल पोजीशन ये थी कि मेन लाइन वो स्विच टू द लूप लाइन, और लूप लाइन पे एक मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई थी जो आयरन ओर से लदी हुई थी, और कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल दिखा ड्राइवर पायलट को, उसको लगा कि वो सीधे जा रहा है, ग्रीन सिग्नल है उसको, लेकिन क्योंकि पॉइंट लूप लाइन पे सेट था, गाड़ी लूप लाइन पे स्विच हो गई और जाके भिड़ गई जो मालगाड़ी खड़ी हुई। भिड़ी तो इस स्पीड पे, 128 की स्पीड पे थी वो उस वक्त, काफी कोचेस डीरेल हो गए, आधी गाड़ी लूप लाइन पे ऑलरेडी आ गई थी, आधी गाड़ी मेन लाइन पे ही थी। कुछ कोचेज जो डीरेल हुए मेन लाइन वाले, वो साथ वाली जो अपलाइन थी उसके ऊपर गिर गए, और उस अपलाइन के ऊपर एक और गाड़ी हावड़ा की तरफ जा रही थी उसी वक्त। उसके तीन चार कोचेज अभी बाकी थे जो
क्लियर नहीं हुए थे कोरोमंडल एक्सप्रेस की लेंथ से, तो क्योंकि ये तीन चार डिब्बे उसके ऊपर गिरे तो वो भी डिरेल हो गई, उसके भी कुछ कोचेस डिरेल हुए, तो यू हैड ए डिरेलमेंट, यू हैड अ कोलिजन, यू हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन दिस एक्सीडेंट. नाउ द रीजन व्हाई द पॉइंट वाज स्विच्ड बट इट वाज नॉट डिस्प्लेइंग द करेक्ट स्टेटस वाज वेरी फनी. It was due to a problem which had actually happened 5 years earlier. 5 साल पहले, देखिए जब point switch होता है तो वो point switch हुआ या नहीं हुआ उसका status वापस दिखाने के लिए relays होते हैं. अब वो relay जो उस point का status दर्शा रहा था वो finally आके station master के room में panel के ऊपर इसलिए होता है. 5 साल पहले किसी wiring के चक्कर में एक बहानागा बाजार station एंट्री से पहले एक लेवल क्रॉसिंग थी, जैसे कि पॉइंट्स का स्टेटस रिफ्लेक्ट होता है वैसे लेवल क्रॉसिंग गेट्स का स्टेटस भी रिफ्लेक्ट होता है स्टेशन. तो जब ये वायरिंग 5 साल पहले ऐसा कुछ हुआ कि एलसी गेट की वायरिंग चल रही थी, कुछ रिपेयर वर्क चल रहा था, तो जो स्टेटस रिले से जो तारें आ रही थी पॉइंट से वो एलसी गेट के स्टेटस के साथ मिला दी गई एक जंक्शन बॉक्स में, जहां से सब तारे फिर फाइनली स्टेशन मास्टर के पास आती रिले रूम के थ्रू स्टेटस आता. और ये जो हादसा हुआ, जो ये इंसिडेंट हुआ, ये तारे मिलाने का, ये 5 साल पहले हुआ था. और जैसा कि सुधांशु जी ने कहा कि ये कंचनजंगा एक्सप्रेस के बाद आई ओपनर होना चाहिए, वही आई ओपनर तब जब उस एक्सीडेंट हुआ था बालासोर एक्सीडेंट के बाद, तब ये पता चला कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. ऐसा आप बाकी जोन्स का तो छोड़िए, बालासोर डिवीजन में ही पहले रिपोर्ट हो चुका है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में ही पहले रिपोर्ट हो चुकी है इस टाइप की प्रॉब्लम्स. एक्शन क्या हुआ उसके ऊपर? जीरो. अच्छा, अगर आपके पास स्टेटस गलत आ रहा है तो स्टेशन मास्टर को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, उसने कुछ अपना इंटरवीन नहीं किया, गाड़ी को जाने दिया और गाड़ी चढ़ गई दूसरी गाड़ी. अब आता हूं मैं जो बात सुधांशु जी ने की डेटा लॉगर की. अगर डेटा लॉगर सिस्टम है और सब जगह है डेटा लॉगर सिस्टम का, मैं जिनको जानकारी नहीं है मैं उनको बता दूं कि ये एक सॉर्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स सिस्टम है जैसा एयरक्राफ्ट में होता है, जो हर चीज को मॉनिटर करता रहता है स्टेशन पे, एलसी गेट का स्टेटस, सिग्नल का स्टेटस, पॉइंट का स्टेटस, वेरियस थिंग्स का स्टेटस, और कन्वे करता है डिविजनल हेडक्वार्टर्स को, जहां पे एक पैनल होता है. एक तो स्टोर होता रहता है वहां पे सर्वर में, और दूसरा पैनल पे एक डिस्प्ले भी होता है. अब इस केस में क्या हुआ कि पॉइंट जब इस तरीके से जब गड़बड़ होती है पॉइंट, जब भी कोई स्टेशन मास्टर पॉइंट सेट करता है, मूव करता है मेन लाइन टू लूप लाइन या लूप लाइन टू मेन लाइन, तो पॉइंट क्योंकि मैकेनिकली मूव करता है तकरीबन 15-20 सेकंड लगते हैं उसको ऑपरेट होने. तो रिले का जो स्टेटस है कि हाँ पॉइंट अब नई जगह पे आ गया है, वो करीब 15-20 सेकंड बाद आना चाहिए. जबकि इस स्टेशन पे वो जैसे ही स्टेशन मास्टर ने पॉइंट सेट किया मेन लाइन के लिए, वो इमीडिएटली स्टेटस आ रहा था, और ये 5 दिन से आ रहा था. अब ये 5 दिन से आ रहा था तो डेटा लॉगर पकड़ के इसको डीआरएम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में डेटा जाता ये सब. अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस प्रयोग किया जाता इस पे, अब क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये पोस्टमार्टम पे के लिए यूज होता है, प्रिवेंशन के लिए नहीं यूज होता. अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहती वहां पे और ये नॉइज़ डिटेक्ट कर लेती यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो वो फ्लैग रेस कर देती कि ये 15 सेकंड के बजाय इमीडिएटली कैसे स्टेटस दिखा रहा है. दैट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट इज वायर्ड टू समथिंग एल्स व्हिच इज ड्राइविंग दैट सिग्नल एंड इट इज कमिंग एक्टिव. नाउ व्हाई कवच वुड नॉट हैव वर्क्ड हियर इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेचर हियर. कवच इज डिजाइंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स व्हिच आर डिटेक्टेड बाय द ओवरऑल कवच नेटवर्क, where two trains are detected to be on a collision course, and then the kavach system sets in in motion a series of steps where first the loco pilots are warned, then the if still nothing happens, then automatically and remotely the brakes are applied and the speed is brought to 15 kmph, and then if even then the trains remain on collision course, the trains are stopped remotely. Mm-hmm. Moving again to the latest accident of Kanchenjunga, as Mr. Sudhanshu said, Kanchenjunga pilot paid for his following the procedure which is laid out, and the other guys are not following it. Now, what is this? Why is this other? Why suddenly other people are not following it?
Now this section where the accident happened is what is called an auto signaling section. It's not a block signaling section. पुराने जमाने में क्या होता था, ब्लॉक सिग्नल्स होते थे कि एक ट्रेन एक स्टेशन छोड़ती थी तो अगले स्टेशन पे जब तक पहुंच नहीं जाती कोई और गाड़ी उस ट्रैक पे नहीं छोड़ी जाती थी. दिस इज कॉल्ड अ ब्लॉक. द एंटायर सेक्शन वाज ब्लॉक्ड फॉर द ट्रेन मूवमेंट. नाउ वी आर हैविंग अ सिचुएशन वेयर आवर ट्रैक नेटवर्क हैज रिमेन्ड मोर ऑर लेस स्टैटिक एट अबाउट 120,000 किलोमीटर. अब डिमांड बढ़ती जा रही है, गाड़ियां चलाओ, स्पीड बढ़ाओ, वंदे भारत लगाओ. तो अगर एक 8-10 किलोमीटर का जो सेक्शन है, जो टिपिकली एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का डिस्टेंस रेलवे में, इंडियन रेलवे में करीब 8-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का होता है, कि अगर एक ही ट्रेन उस सेक्शन पे हो सकती है, क्या कोई तरीका है कि हम एक के बजाय दो या तीन या चार ट्रेन उस सेक्शन पे डाल दें? तो उसके लिए ऑटो सिग्नलिंग आई. उसमें क्या होता है कि 8-10 किलोमीटर के सेक्शन को एक एक किलोमीटर के सेक्शन में ब्रेक कर दिया जाता है और जहां ये एक किलोमीटर का सेक्शन फ्री हुआ वहां दूसरी ट्रेन छोड़ी जा सकती है. अब ये एक ऑटो ट्रेन, ऑटो सिग्नलिंग सेक्शंस आर रिलेटिवली न्यू, 2-3 साल से आने शुरू हुए, करीब 3-4,000 किलोमीटर में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है. इसके लिए जो प्रोटोकॉल होने चाहिए कि अब इसकी CRS रिपोर्ट जो आई है इंटरिम कंचनजंगा पे कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, उसमें यह कहा गया है कि ऑटो सिग्नलिंग के फेलियर्स हो रहे हैं और उन फेलियर्स पे क्या करना है उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो पायलट्स की ट्रेनिंग नहीं हुई है. या सो माय लास्ट कपल ऑफ मिनट्स ऑन कवच इटसेल्फ. कवच द वन थिंग दैट हैज हैपेंड इन कवच इज दैट सम अदर फैसिलिटीज आर नाउ बीइंग एडेड अलोंग विद द कवच इंस्टॉलेशंस. फॉर एग्जांपल द फाइबर ऑप्टिक केबल इज बीइंग लेड एज पार्ट ऑफ द कवच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ दैट इज नाइदर हियर नॉर देयर. इट शुड बी पॉसिबल implement it faster. I do not agree that industry does not have capacity. Industry does have capacity. Yes, some payment terms etc. need to be worked out better, because right now the payment terms usually in Kavach tenders are that, you know, everything has to be installed and commissioned and working and then only even one paisa will be paid. Now these are large capital outlays are required even by the vendors and the contractors. So something, you know, that is one very primary thing. But as far as manufacturing capacity is concerned, it is not a constraint as far as I can see. We are supplying some communication equipment which is used in the Kavach network, and it's not a problem at all. I mean, manufacturing capacity is not the issue. Installation could be, money could be, but these are all things which are solvable by, if you sit across the table. Ajay. जो सब जगह आया है कि हिंदुस्तान में लोको पायलट 21% कम है. तो इसके लिए तो आपको ना कोई AI चाहिए, ना कोई स्पेशलाइज चाहिए, नहीं अमेरिका से कुछ इम्पोर्ट करना. आप हाउ यू कैन रन अ ट्रेन 21% अगर आपके पास लोको पायलट कम. मैं एक चीज और बता दूं जो सुधांशु ने मुझे बताई थी, मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में जो इंजन होता है उसमें टॉयलेट्स नहीं होते. और अगर कोई विदेश में हम इंजन सब एक्सपोर्ट करते हैं और अगर वो विदेशी एजेंसी, वो विदेशी देश कहता है कि हमें इसमें टॉयलेट लगा के दो, तो इन इंजन में हमने टॉयलेट लगा के दिए. तो मैं इस पे अगर एक एक लाइन का आप लोगों का रिएक्शन, क्योंकि ये सब ठीक है AI जब तक आता रहे, लोको पायलट्स पे आप कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मैं जरा इस पे समझना था. जी सुधांशु. हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है. जैसा पहले भी कई बार कहा है मैंने आपके शो पे भी, शायद रेलवे ओवरस्टाफ्ड है नहीं अलग डिस्कशन है, लेकिन कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें प्राइमरी है लोको पायलट, उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर जिसको गार्ड को आजकल बोलते हैं, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन. ये ऐसा इंटेंस वर्क है जिसमें एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलती काम में. कई जगह स्टेशन मास्टर टिकट भी बेचता है. ये जनरल मैनेजर चेयरमैन रेलवे बोर्ड से लेके लोएस्ट हम काम में आधा दिन गोल कर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इन कैटेगरीज में एक आदमी की भी वैकेंसी डेट्रीमेंटल है, बिकॉज वो जो वैकेंसी होगी उसमें आप इसका मतलब किसी और को एक्स्ट्रा काम कराएंगे. और ऐसे इंटेंस काम में बियॉन्ड ड्यूटी आवर्स काम कराने का औचित्य नहीं होता. इसलिए ये वैकेंसी क्यों रेलवे कैरी कर रही थी एक्सीडेंट के बाद 6,000 को बढ़ा के 18,000 किया, इसका मतलब जानबूझ के वैकेंसी नहीं भरने का इरादा था, ये समझ के बाहर है. एंड आई फुली एग्री विथ यू
इन कैटेगरीज में ए प्लानिंग करके किसी भी स्टेज पे एक भी वैकेंसी रखना ठीक नहीं है। जी जी पंकज लास्ट 30 सेकंड्स योर फाइनल कमेंट्स। Yeah, I agree with what Anand is saying. Not only facilities, number, I mean, because the one of the basic thing that gets affected if there is a shortage of loco pilots, ki unko rest nahi milta barabar. And if the rest is not there, and you had several instances where pilots have been running 36 hours and all that continuous shifts, etc. And they have actually fallen asleep at the, you know, graveyard shift mein 3 baje, 2 baje se 4 baje ke beech mein subah. और सिग्नल लाल है फिर भी वो निकल जाते हैं कुछ हो गए पायलट्स। सो आई मीन दिस इज एलिमेंट्री ऑफ कोर्स इट हैज टू बी टैकल्ड। यू कैन नॉट स्क्रिम्प एंड स्क्राउंज ऑन दिस इज नॉट सम टेस्ला ऑटोमेटिक ड्रिवन ऑटो ड्रिवन सेल्फ ड्राइविंग लोकोमोटिव। तो बेसिकली यही है कि टेक्नोलॉजी है अवेलेबल कैपेसिटी है हमारे पास और सेफ्टी अब मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ा प्रायोरिटी सेफ्टी का ही होना चाहिए और कुछ इतना वो हमें मतलब ग्लैमर से किससे ज्यादा सेफ्टी की जरूरत है आज। जी आनंद लास्ट फ्यू वर्ड एंड वी विल वाइंड अप द शो। मैंने वही कहा कि सरकार को या तो कोई ऐसा सिस्टम कर दें जिसमें ये पता लग जाए कि सैलरी का एक हिस्सा कहीं जहां जाना है वहां पहुंचता रहेगा तो वो 21% अगले एक महीने में भर जाएंगे। उस सिस्टम की समस्या है हमारे यहाँ क्योंकि हम हर जगह पैसा देखते हैं। हमारी दिक्कत क्या हो गई है कि हमारा कोई ऐसे हम जब तीर्थ स्थान को टूरिज्म के में कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो ये माइंडसेट की बात कहीं ना कहीं। अजय जी तो थैंक यू सो मच आप सब जुड़े और बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। थैंक यू सुधांशु थैंक यू पंकज थैंक यू आनंद थैंक यू सो मच नमस्कार।